अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मौजूद हूं और मैं एक इमारत की छत पर हूं। यहां पर मुझे एक हैरत अंगेज़ और मज़े की चीज़ नज़र आई, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। यहां पर दीवारों पर, छत पर जो चार दीवारी है उसकी दीवारों पर ओल्ड और न्यू कराची को पिक्चर्स की सूरत में दिखाया गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, और लिखा हुआ है ओल्ड कराची इन पिक्चर्स। ये कराची एयरपोर्ट की इमारत है। 1954 में कराची का एयरपोर्ट ऐसा दिखता था। मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूँ और उसके बाद जो न्यू कराची है वो तस्वीरों में कैसे दिखता है वो भी दिखाऊँगा। आए दाएँ बाएँ देखते हैं। ये एक और तस्वीर है, इसमें दिखाया गया है कि 1952 में कराची की सड़कों पर ट्राम चला करती थी। या देख रहे होंगे एक रोड है, उसके ऊपर एक छोटी सी ट्राम चल रही है, एक पुलिस का सिपाही खड़ा है। और ये बड़ी प्यारी तस्वीरी कहानी है जो यहाँ दिखाई गई है। ये एक और तस्वीर है, इसमें देखते हैं, इस पर लिखा हुआ है ओल्ड कराची ट्राम्स डोंगा कैमल्स इन वन पिक्चर। 1964 की ये तस्वीर कशी की गई है। इसमें पुराने कराची में एक ही तस्वीर में ट्राम भी देख रहे हैं आप, एक तांगा भी देख रहे हैं जो पीछे नज़र आ रहा है, और साथ ऊँट भी है। ये कराची शहर ऐसा था। अब हम दूसरी सम में चलते हैं जिसमें आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये PIA जो भी आपको दिखाया है, ये एम्प्रेस मार्केट की तस्वीर है और इसके ऊपर कुछ पत्ते आ गए हैं। ये 1930 की तस्वीर है। 1930 में एम्प्रेस मार्केट कुछ ऐसे दिखाई देती थी। इसके साथ एक और तस्वीर है, ये मेट्रोपोल होटल है और ये 1950 में मेट्रोपोल होटल इस तरह का नज़र आता था। एक और तस्वीर है पुराने कराची की, ये मैरी वेदर टावर है कराची में। ये 1882 में मैरी वेदर टावर कुछ इस तरह नज़र आता था। आए अब नए कराची को तस्वीरों में कैसे दिखाया गया वो भी देखते हैं। तो ये नया कराची है, ये देखें। ये मिलेनियम मॉल है, ये कराची का एक बड़ा और मशहूर मॉल है। और ये मिलेनियम मॉल जिस जगह बनाया गया है, किसी दौर में यहाँ पर ड्राइव इन सिनेमा हुआ करता था। इस वक्त ये एक बहुत सारा बड़ा मॉल है जो इस तस्वीर में दिखाने की कोशिश की गई है। इसके साथ एक और तस्वीर देखते हैं, ये कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो आपने मेरी पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में देखा भी होगा। और इसके ऊपर लिखा हुआ है मॉडर्न कराची इन पिक्चर्स। अब ये देख रहे हैं, ये मॉडर्न कराची इन पिक्चर्स है और इसकी ऑपोजिट साइड पर ओल्ड कराची इन पिक्चर्स था। इसके साथ एक और तस्वीर है जो पेंट की गई है, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार है जो कराची में वाक़ है। कराची में और पाकिस्तान में रहने वाले लोग इस मज़ार से बखूबी वाकिफ़ हैं। इसके साथ एक और तस्वीर है जो आज की एक आखिरी तस्वीर है, जो मॉडर्न कराची जिसमें दिखाने की कोशिश की गई है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई जा रही हैं। ये मॉडर्न कराची है। उम्मीद है आपको ये तस्वीरी कहानी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।